धनवार थाना क्षेत्र के भलूटांड पंचायत के सलैया में मंगलवार सुबह एक बच्चे द्वारा शनिवार पेड़ की छड़ी तोड़े जाने से उत्पन्न विवाद में मारपीट हो गई। इस घटना में चार लोग जख्मी हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची धनवार पुलिस ने वहां जुटे हुजूम को खदेड़कर मामला शांत किया तथा एक पक्ष के दो जख्मी लोगों को इलाज के लिए धनवार रेफरल अस्पताल लाया। इस घटना के बाबत दोनों पक्ष ने एक दूसरे पक्ष को आरोपित करते हुए एक पक्ष ने घोड़थंबा थाने में तो दूसरे पक्ष ने धनवार थाने में आवेदन दिया है। रेफरल अस्पताल में इलाजरत एक पक्ष के जख्मी राजकुमार राम ने इसे जानलेवा हमला करार देते हुए बताया कि उनका 13 वर्षीय पुत्र सुबह 8 बजे नदी के किनारे बकरी चराने गया था। इसी दौरान उसने सिनवार की एक छड़ी तोड़ ली। इसी बात पर बादेडी के कारू भोक्ता ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर दूसरे पक्ष के अजीत उर्फ कारू भोक्ता ने भी घोड़थंबा ओपी में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया है। दिए आवेदन में कहा है कि सलैया के राजकुमार राम, विजय राम आदि मजमा बनाकर उनके महुआ पेड़ काट रहे थे। पूछने और मना करने पर हमला कर दिया, जिसमें गांव के प्रमोद भोक्ता और अजीत भोक्ता जख्मी हो गए। विजय राम है, रजगढ़ का रहने वाले हैं और हम बकरी चरा रहे थे अपना खेत के पास और बच्चा तोड़ा इतना बड़ा का सिनवार। उसके बाद जिसका सिनवार था कारू भोक्ता का, वो आया तो बच्चा को तीन चार झप्पड़ मार दिया। फिर भैया के पूछने लिए बच्चा घर आया, बोला क्यों मारा इसको, तो भैया का भी गर्दन पकड़ लिया। इतना बड़ा का पैना था तो भैया को मार दिया, पैना यहाँ तो माथा फट गया। उस तब तक हमसे और उससे कोई मतलब नहीं, हमारा मुंड नहीं था कि हम इसको मारेंगे। हम आके चुपचाप बैठ गए। उधर से आया बसंत भक्ता, बोला इसको साले को मारो, जितना रुपया लगेगा हम देंगे। इतना कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी से मारा। उसके बाद हमको होश नहीं। उन लोगों के पास तलवार भी था, रिवाल्वर था, इतना मोटा मोटा का रट लेके आया था। वो लोग कितने लोग संख्या में था? करीब 50 लड़का के लगभग था। और आप लोग? हम लोग 10-15 आदमी थे, और बच्चा बच्चा था। हम लोग को लड़ने का मुंड नहीं था। सब बच्चा लोग गांव से दौड़ पड़ा, जो झगड़ा हुआ ना, मारपीट हो गया, खून बहने लगा तो बच्चा खून बहने लग गया तो सब आदमी आके जमा होके देखने लगे।